अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। राखी सावंत बठिंडा में CWE चैंपियनशिप पर पहुंची है। शिवसेना पंजाब की तरफ से राखी सावंत का विरोध किया जा रहा है। पार्टी का नेशनल एडवाइजर, पार्टी सलाहकार हूँ मैं। और आज बठिंडा में जो आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें राखी सावंत आई हुई है। और राखी सावंत के बारे में जानते हैं वो किस असली हरकतें करती है और सारा कुछ करते हैं। और इन्होंने एक बार बताया था कि मीडिया को भी अंदर क्या इन्होंने अंदर कोई असली डांस करना है, क्या करना है, मीडिया को बढ़ा रहे हैं। सच्चाई पंजाब इस चीज का विरोध करती है कि राखी सावंत को बठिंडा जैसे या पंजाब जैसे पवित्र शहर में इस तरह की लेडीज का आना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेडीज है जो भी है वो सादगी प्रति कपड़े पहनती है, कपड़े पहनती है, मान सम्मान होता है, लेकिन वो कितने अश्लील कपड़े पहनती है, अश्लील भाषा होती है। इस तरह की औरत को, इस तरह की लेडीज को बठिंडा वासी या बठिंडा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा ना पंजाब को जो इसका विरोध करती है। और राखी सावंत का जो रेसलिंग का प्रोग्राम है, रेसलिंग के नाम पे उन्होंने जो भी अश्लीलता फैलानी है वो शिक्षा ना पंजाब नहीं फैलानी। इसलिए राखी सावंत के प्रोग्राम का बाइकाट किया जाता है। शिक्षा ना पंजाब की तरफ से राखी सावंत के लिए बिल्कुल बाइकाट है। और मैं शहरवासियों से भी अपील करता हूँ कि राखी सावंत जैसे जितने भी अश्लील होते हैं उनको बाइकाट करना चाहिए और शहर में उनकी एंट्री बिल्कुल बैन करनी चाहिए। कल आपने क्यों नहीं बोले, कल रोड शो निकाल रखा, कल तुम आए नहीं, आज कैसे आ गए? एक्चुअल मैं कल हमारी पार्टी का एजेंडा बन रहा था, उसमें लोग तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से इनका विरोध किया जाए। उसके बाद जब देखा कि भाई रोड शो में काफी लोग कम थे, आज रेसलिंग का प्रोग्राम है तो यहाँ पे काफी भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए लोगों को एक मैसेज कन्वे करने के लिए इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा। आज तुमको पुलिस ने रोका था जब तुम अंदर गेट के अंदर जा रहे थे? हाँ, गेट के अंदर जा रहे थे, पुलिस ने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है, हमें ज्यादा रोकने की कोशिश की है, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की तरफ से भी है कि भाई अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए। और सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि राखी सावंत जैसे स्टार को यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने कोई अश्लीलता ना फैला। गिरफ्तार कर लिया, फिर गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी दोगे? हाँ, अगर हमें गिरफ्तारी करती है, अगर समाज को, देश को, अपने स्टेट को, सभ्यता के लिए अगर हमें अपनी गिरफ्तारी भी लेनी पड़ती है तो हमारा कोई भी शिक्षा नहीं गिरफ्तारी से पीछे नहीं हटेगा, हम गिरफ्तारी जाने के लिए भी तैयार हैं। कैमरामैन कुलविंदर सिंह के साथ कपिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।